हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिनय और आप लोग देख रहे हो बिनय टेक। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ फेडरल बैंक का न्यू फिक्स डिपॉजिट रेट के बारे में फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2023। तो रिसेंटली फेडरल बैंक ने न्यू एफडी रेट जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। तो क्या है नया फिक्स डिपॉजिट रेट और क्या इंटरेस्ट रेट करेंटली प्रोवाइड कर रहा है फेडरल बैंक अपने कस्टमर को, मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं फेडरल बैंक ऑफिशियल वेबसाइट में और रिसेंटली फेडरल बैंक ने न्यू एफडी रेट जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। तो आप लोग को नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत सारा ऑप्शन आप लोगों को मिल जाता है, ठीक है। बैंकिंग टूल्स, रेट एंड चार्जेस, नीड असिस्टेंस और क्विक लिंक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को रेट एंड चार्जेस के ऊपर क्लिक करना है और इधर आप लोग देख सकते हो बहुत टाइप का एफडी रिलेटेड ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को क्लिक करना है इंटरेस्ट रेट फॉर सेविंग अकाउंट के ऊपर और हम लोग आ चुके हैं फेडरल बैंक का ऑफिशियल इंटरेस्ट रेट का वेब पेज में। तो आप लोग को नीचे स्क्रॉल करना है और इधर आप लोग देख सकते हो इंटरेस्ट रेट फॉर सेविंग बैंक अकाउंट, ठीक है। अगर आप लोग सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हो तो कितना आप लोग को इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। इंटरेस्ट रेट फॉर सेविंग बैंक डिपॉजिट इफेक्टिव फ्रॉम 21 नवंबर 2023 से इफेक्टिव है। लेस देन 5 लाख 3.45%, ठीक है, और 5 लाख टू 50 लाख 3.45% और 50 लाख टू 2 करोड़ जो है 3.45, 3.40 और 2.75 रेस्पेक्टिवली यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। और 2 करोड़ टू 5 करोड़ जो है 3.45 से लेके 2.50 तक आप लोग को देखने को मिल जाएगा और 5 करोड़ टू 50 करोड़ 3.45 1% यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोग 50 करोड़ टू लेस देन 200 करोड़ रखते हो तो 3.45 0.50 200 करोड़ एंड अबव 3.45 और 0.65%, ठीक है। तो ये था सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ फिक्स डिपोजिट रेट के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग को रेसिडेंट टर्म डिपोजिट के ऊपर क्लिक करना है, आप लोग को नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इंटरेस्ट रेट फॉर रेसिडेंट टर्म डिपोजिट और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मिनिमम टेन्योर जो है 7 डेज से स्टार्ट हो जा रहा है और इंटरेस्ट रेट फॉर रेसिडेंट टर्म डिपॉजिट इफेक्टिव फ्रॉम 5 दिसंबर 2023 से इफेक्टिव है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पीरियड सिंगल डिपॉजिट लेस देन 200 लाख जो कि 2 CR, ठीक है, जनरल पब्लिक और सीनियर सिटीजन ग्रेटर देन 60 ईयर्स, जनरल पब्लिक लेस देन 60 ईयर्स, ठीक है। 7 से 29 डेज 3% और यहाँ पे 3.50, 30 से 45 डेज 3.25 और यहाँ पे 3.75, 46 से 60 डेज 4% फॉर नॉर्मल सीजन उसी से केस में 4.50, 61 से 119 डेज 4.75 फॉर नॉर्मल सीजन उसी से केस में 5.25, 120 से 180 डेज 5% फॉर नॉर्मल सीजन उसी से केस में 5.50, 181 से 270 डेज जो है 5.75 फॉर नॉर्मल सीजन उसी से केस में 6.25, 271 डेज टू लेस देन 1 ईयर 6% फॉर नॉर्मल सीजन उसी से केस में 6.50, 1 ईयर टू लेस देन 13 मंथ 6.80 फॉर नॉर्मल सीजन उसी से केस में 7.30, 13 मंथ्स टू 499 डेज जो है 7.30 फॉर नॉर्मल सर्जन उसी से केस में 7.80, 500 डेज का जो है 7.50 फॉर नॉर्मल सर्जन उसी से केस में 8%, 501 डेज टू 21 मंथ्स जो है 7.30 फॉर नॉर्मल सर्जन उसी से केस में 7.80, अबव 21 मंथ्स टू लेस देन 3 ईयर 7.05% फॉर नॉर्मल सर्जन उसी से केस में 7.55, 3 ईयर टू लेस देन 5 ईयर 7% फॉर नॉर्मल सर्जन उसी से केस में 7.50, 5 ईयर एंड अबव जो है 6.60 फॉर नॉर्मल सर्जन उसी से केस में 7.25। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो है 500 डेज में, ठीक है, आप लोग अच्छा खासा 8% तक का इंटरेस्ट रेट मिल जा रहा है, ठीक है, और 7.50 फॉर सीनियर एंड नॉर्मल सिटीजन रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अगर आप लोग शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए कर रहे हो तो 271 डेज टू लेस देन 1 ईयर जो है 6% अबव आप लोग को मिल जा रहा है, ठीक है। और अगर आप लोग लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए करना चाहते हो देन 501 डेज के अबव कर सकते हो जिसमें आप लोग को 7% अबव आप लोग को मिल जा रहा है, ठीक है, इन बोथ केस नॉर्मल एंड सीनियर केस में, ठीक है। तो ये था फेडरल बैंक का न्यू फिक्स डिपॉजिट रेट के बारे में जो कि इफेक्टिव है फ्रॉम 5 दिसंबर 2023 से। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल लगा प्लीज टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिना टेक। थैंक यू।